बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सिटी ऑफ नॉलेज में आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारी क्लास होगी जी एक्सपार्टी डिग्री के हवाले से। एक्सपार्टी डिग्री क्या है व्यूअर्स? एक्सपार्टी डिग्री जो है हमारे पास सीपीसी की क्लास है, जिसमें ऑर्डर 9 रूल 6 7 13 और 14 के अंदर ये डिस्कस की गई है। इसको हम पढ़ते हैं जी। क्या कहा गया है कि इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपार्टी डिग्री है क्या। इट इज जनरल प्रिंसिपल दैट पार्टी शुड बी हियर बिफोर दे प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट अगेंस्ट देम। मतलब ये जनरल प्रिंसिपल है, अदालत का कानून का एक उसूल है कि जो पार्टी जो है अपने खिलाफ आने वाले, अपने हक में आने वाले फैसले को अपने कानों से कोर्ट के अंदर मौजूद रहें और सुने, ठीक है ना। एन एक्स पार्टी इज एन एक्सेप्शन, मतलब एक्स पार्टी की सूरत में ये एक्सेप्शन है। एक्स पार्टी मतलब अगर ऐसी पार्टी जो डिफेंडेंट अगर किसी भी वजह से तमाम समन की सर्विस सर्व करने के बाद हाजिर होने में नाकाम होता है, तो इस सूरत में डिफेंडेंट के अलावा भी डिग्री पास की जा सकती है। इसको हम कहते हैं एक्स पार्टी डिग्री। मतलब हमने तमाम इसको समन की सर्विसेस में हमने सर्व कर ली, फिर भी जो है डिफेंडेंट पेश नहीं हो सकता, तो इस सूरत में हम इसको एक्स पार्टी डिग्री पास कर सकते हैं। तो लिहाजा इनको प्रेजेंट होना ये एक एक्सेप्शन। इसके अलावा दोनों पार्टीज का जजमेंट को सुनना जो है इनकी मौजूदगी में ही सुनाया जाएगा, इसके बगैर नहीं। When a defendant fails to appear on the first date of hearing, जब defendant जो है first date of hearing, मतलब first date of hearing कब होगी? अदालत जब से जब कोई suit institute होती है तो सबसे पहला काम जो करेगी समन issue करेगी। समन की जितने requirement है उसको पूरी करने के बाद जो सबसे पहली पेशी होती है, जहां समाअत के लिए केस की समाअत के लिए बुलाया जाता है, उसमें defendant appear नहीं होता है। The court may proceed ex parte. कोर्ट जो है एक्स पार्टी डिग्री प्रोसीड करेगी अंडर ऑर्डर 9 रूल 6। ऑर्डर 9 रूल 6 के तहत एक्स पार्टी डिग्री जो है प्रोसीड करेगी। मतलब अगर तमाम समन के सर्विसेज को सर्व करने के बाद डिफेंडेंट जो है फर्स्ट हियरिंग में अपीयर होने में नाकाम होता है, तो इस सूरत में एक्स पार्टी डिग्री की प्रोसीजर प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। रेलिवेंट प्रोविजन ऑर्डर 9, ये पहले ही बता चुका हूँ, रूल 6 7 13 14 क्रॉस रेफरेंस के तौर पे ऑर्डर 17 और रूल 2 के अंदर ये चीज डिस्कस है। ऑर्डर 9 रूल 6 क्या कहता है? व्हेन द प्लेंटिफ अपीयर्स एंड द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर, जब प्लेंटिफ अपीयर होता है लेकिन डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता। व्हेन द सूट इज कॉल्ड फॉर हियरिंग, देन जब सूट जो है समाअत के लिए बुलाई गई है, देन यहां पर बहुत सारी कंडीशंस दी गई हैं। यहाँ जो हमारी जरूरत की कंडीशन है जिसको हम पढ़ेंगे, इफ इट इज प्रोवाइड दैट द समन वाज ड्यूली सर्व, अगर ये कोर्ट को बावर कराया जाता है कि समन सही तरीके से सर्व हो चुके हैं, जिस तरह के रूल के मुताबिक सीपीसी ऑर्डर्स के मुताबिक सही तरीके से समन सर्व हो चुके हैं, द कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टी डिग्री विदाउट रीडिंग एविडेंस। मतलब किसी एविडेंस की रीड किए बगैर, किसी प्रोसीजर के बगैर कोर्ट जो है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की तरफ निकल जाएगी। अब हम देखते हैं एसेंशियल ऑफ प्रोसीडिंग एक्स पार्टी, क्या एसेंशियल्स हैं, कब एक्स पार्टी की प्रोसीडिंग हो सकती है। ये चार एसेंशियल्स हैं। सबसे पहले अपीयरेंस ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का हाजिर होना जरूरी है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स के लिए। दूसरा, फेलियर ऑफ डिफेंडेंट टू अपीयर, मतलब डिफेंडेंट जो है फेल हो गया अपीयर होने के बाद, सॉरी अपीयर होने के लिए होने से फेल हो गया, नाकाम हो गया, अपीयर होने नहीं हो सका। चौथा हमारे पास ड्यू सर्विस ऑफ समन, मतलब ड्यू सर्विस ऑफ समन जो है सही तरीके से जो अवेलेबल कानून में तमाम अकॉर्डिंग टू लॉ जो है तमाम तरीके आजमाए गए हों, देन जो डिपेंडेंट जो है अपीयर नहीं हो सका, ये भी जरूरी है। इनमें से कोई भी चीज अगर नहीं है बाद में जो है आपकी एक्स पार्टी डिग्री चैलेंज हो सकती है। अच्छा, अब जब प्रोसीडिंग हो गई, एक्स पार्टी डिग्री हो गई, मतलब इसके बाद क्या सूरत हाल है। पहले तो मैंने बताया कि आपको सिंपल सा एक सिंपल से दो लाइनों में बता दूं कि अगर कोई डिफेंडेंट जो है सर्विस ऑफ समन पूरे होने के बावजूद अदालत में पेश होने में नाकाम हो जाता है, तो इस सूरत में एक्स पार्टी डिग्री पास होगी। इसके कंग्राउंड्स मैंने आपको बता दिए। अच्छा, ये तो सिंपल सी बात हो गई।
आप देखते हैं सेटिंग असाइड एक्सपायरी डिग्री, एक्सपायरी डिग्री पास होने के बाद क्या होगा, इसको सेटिंग असाइड सेट असाइड किया जा सकता है, इसको मतलब कलदम किया जा सकता है इस डिग्री को। जी हाँ बिल्कुल किया जा सकता है अंडर ऑर्डर रूल 9, अंडर ऑर्डर 9 रूल 13। ऑर्डर 9 रूल 13 के मुताबिक एप्लीकेशन बाय डिफेंडेंट, डिफेंडेंट एक एप्लीकेशन दे सकता है बिफोर द कोर्ट हु पास द एक्सपायरी, इस कोर्ट के सामने जिसने एक्सपायरी डिग्री पास की, जरूरी है इस कोर्ट के सामने जिसने एक्सपायरी डिग्री पास की इसके सामने एक एप्लीकेशन देता है विद द फॉलोइंग ग्राउंड्स, जो ग्राउंड्स दिए गए हैं इनके तहत। फॉलोइंग क्या कहता है, समन नॉट ड्यूली सर्व्ड, मतलब ये कहता है, ये मौकूफ अख्तियार करता है कि जो समन की सर्विस है वो सही तरीके से नहीं हुई है। अगर वो बंदा जो है साबित करता है कि समन जो है सही तरीके से सर्व नहीं हुए हैं, समन में कोई डिफिशियंसी साबित करता है, तो इस सूरत में एक्सपायरी डिग्री जो है सेट असाइड होगी। दूसरा सफिशियंट कॉज फॉर नॉन अपीयरेंस, या कोई ऐसी वजह बता देता है कि जिसको एक ऐसी कोर्ट मान जाती है हाँ जी ये मसला है, इसको अपीयर नहीं होना बनता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कोई ऐसी सिचुएशन अदालत के सामने पेश करता है, कहता कि मैं फलां वजह थी उस वजह से मैं हाजिर नहीं हो सका, अगर वो उस वजह को कोर्ट सफिशियंट मानती है, काफी मानती है, मतलब अहमियत देती है, इस सूरत में भी एक्सपायरी डिग्री जो है सेट असाइड हो सकती है। अब अदर रेमेडीज अवेलेबल टू सेट असाइड एक्सपायरी, इसके अलावा भी जो है एक्सपायरी डिग्री को सेट असाइड करने के लिए ये बहुत सारे प्रोविजंस अवेलेबल हैं, रेमेडीज अवेलेबल हैं, इसको भी हम स्टडी करें कौन कौन से रेमेडीज अवेलेबल हैं। अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में के तहत डिफेंडेंट जो है एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, दैट डिग्री वॉज ऑब्टेन बाई फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, एक एप्लीकेशन प्रोसीड करेगा जिसमें लिखेगा कि जो समन के दौरान या इस डिग्री के दौरान जो है कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड हुई है, समन के दौरान हुआ है या डिग्री बंदे ने प्लेंटिफ ने फ्रॉड के जरिए मिसरिप्रेजेंटेशन के जरिए डिग्री हासिल की है, तो ये चैलेंज हो सकती है। अंडर सेक्शन 96 के मुताबिक डिफेंडेंट कैन फाइल एन अपील इन अपील इन अपीलेट कोर्ट, डिफेंडेंट जो अपीलेट कोर्ट के अंदर ऑर्डर अंडर सेक्शन 96 के तहत अपील भी फाइल कर सकता है एक्सपायरी डिग्री को सेट असाइड करने के लिए। Under section 115, a revision against expiry decree can be filed, मतलब section 115 के तहत भी मतलब revision file की जा सकती है expiry के तहत। Under section 151, it is inherent power of court to recall an expiry decree, मतलब ये inherent court की inherent power है कि उसको expiry decree को recall भी कर सकती है, ये 155 के मुताबिक 151 के मुताबिक सॉरी। और एक से बात अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जो है रिटर्न ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट मे बी अफेक्टेड बाय द डिफेंडेंट, मतलब इसको 199 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है डिफेंडेंट तो भी एक रिट फाइल की जा सकती है जिसके जरिए आपकी एक्स पार्टी को सेट असाइड किया जा सकता है। व्यूअर्स हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 जो हमारे पास और भी रेमेडीज अवेलेबल हैं जिसके जरिए एक्सपायरी डिग्री को सेट असाइड किया जा सकता है। सिर्फ एक लिमिटेशन है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 164 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 164 लिमिटेशन एक्ट के तहत an application to set aside expiry decree must be made within 30 days of the passing of decree, मतलब जो सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी बिफोर 30 डेज ऑफ पासिंग डिग्री, डिग्री पास होने के 3 दिन के अंदर जो 30 दिन के अंदर जो है एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है जिसके तहत जो है आपकी सेट असाइड की जाएगी, और 30 दिन के बाद वो लिमिटेशन इसकी निकल जाएगी, टाइम बार्ड हो जाएगा, इसके बाद तो कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। व्यूअर्स उम्मीद है एक्सपायरी डिग्री आपको समझ आ गई होगी, ऐसी डिग्री जो डिफेंडेंट की गैर मौजूदगी में पास की जाती है इसको हम कहते हैं एक्सपायरी डिग्री, और डिफेंडेंट जब ड्यूली तमाम सर्विस सब समन जो है पूरे होने के बाद भी अगर डिफेंडेंट अपेयर नहीं होता तो इसके खिलाफ एक्सपायरी डिग्री पास की जा सकती है। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।